हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसे लेडीज स्वेटर में डालिए या फिर जेंट्स स्वेटर में डालिए। ये बच्चों के स्वेटर में भी अच्छा लगेगा। तो लीजिए, इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 16 फंदे लिए हैं। ये जो पहला फंदा है ये सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, और ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा है जो ऐसे सीधा उतार लेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, ऐसे एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, एक सीधा। सीधे के ऊपर सीधा बुनना है और उल्टे के ऊपर उल्टा बुनना है। तो ऐसे हम धागा फिर आगे करेंगे। ये फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे। 3 फंदे हमने इस सिलाई में डालने हैं, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर वापस इस सिलाई में डाल लेंगे। उसके बाद हम ऐसे आगे धागा करते हुए फिर ये उल्टा फंदा बनाना है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर हम धागा आगे करते हुए ये 3 फंदे हैं जो इस सिलाई में डाल लेंगे, फिर धागा पीछे करते हुए वापस इस सिलाई में डाल लेंगे, फिर धागा आगे करते हुए एक ये फंदा उल्टा बुनना है, ये सीधा बुनना है, ये उल्टा बुनना है, ये सीधा। ऐसे ही हम 4 फंदे बुनकर 3 फंदे हैं जो इस सिलाई में डाल लेंगे। पहले धागा आगे करते हैं, धागा आगे करते हुए 3 फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे। तो दोबारा धागा पीछे करेंगे, तो ऐसे पीछे करके ये वापस इस सिलाई में डाल लेंगे। फिर आगे के जो फंदे हैं उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, ये ऐसे ही बुन लेना है। अब उल्टी सिलाई में आते हैं। उल्टी सिलाई है जो पूरी उल्टी ही डालनी है।
हमारी ये सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट हो गई है। अब दोबारा पहला फंदा है जो ये ऐसे उतार लेंगे। एक फंदा ये उल्टा था, उल्टे पे उल्टा बुन लेंगे, एक सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा बुन लेंगे, एक सीधा। पहले हमने ये चार फंदे बुनकर हमने ये धागा पीछे किया था। अब हम ऐसे ज़्यादा फंदे बुनेंगे। 3-7 फंदे बुनकर हम ऐसे इस सिलाई में 3 फंदे डाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे। जैसे कि ये एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे बिचकार में आना चाहिए, इन दोनों के बिचकार आना चाहिए ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, उल्टे पे उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टा, सीधा, ऐसे 4 फंदे बुनकर धागा आगे करते हुए 3 फंदे इसमें सिलाई में उतार लेंगे। ये 4 फंदे बुने थे, इनमें ये 3 फंदे इस सिलाई में डालने हैं और धागा पीछे करेंगे, फिर इस सिलाई में दोबारा डाल लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर 3 फंदे ये उल्टे वाला छोड़कर 3 फंदे इस सिलाई में डालेंगे, फिर दोबारा धागा पीछे करेंगे, दोबारा फिर इस सिलाई में डालेंगे, धागा आगे करते हुए उल्टा फंदा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हर बार उल्टी साइड से उल्टी ही बुननी है। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, बाकी के सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा बनेगा। एक सिलाई और डालकर बताती हूँ। पहला फंदा है सीधा बुनना है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ऐसे धागा आगे करेंगे। ये 3rd रो है डिज़ाइन की। ऐसे 3 फंदे इधर डाल लेंगे, धागा पीछे करेंगे, तो फिर धागा आगे करते हुए ये फंदा उल्टा बुनना है, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। तो ऐसे 3 फंदे इस सिलाई में डालेंगे, धागा पीछे करते हुए ऐसे
वापस इस सिलाई में डाल लेंगे। आगे फिर एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, चार चार फंदे बुनकर धागा आगे करते हुए तीन फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे, धागा पीछे करेंगे तो वापस इस सिलाई में डाल लेंगे। ऐसे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। तो बनकर ये डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो देखिए ये किसी भी साइड पे देखे ये कितना सुंदर लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए या फिर लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए या कहीं और प्रोजेक्ट में डाल लें, ये सभी में बहुत सुंदर लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।